सबको नमस्कार। भारत को पुण्यभूमि, धर्मभूमि, ऋषि मुनियों का देश और वेद पुराण उपनिषद शास्त्र जैसे रामायण महाभारत गीता बहुत सारी चीज़ें तो हम भूल चुके हैं। मुझे भी कभी कभी ऐसा कुछ विशेष लोग संपर्क में आए तो जब मैंने देखा कि 19 रामायण जैसे हम एक वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी कृत की जो सामान्य रामायण की बात करते हैं ऐसी 19 रामायण रही हैं। तो हमारे हर ग्रंथ बड़े दिशा दर्शक हमारे यहाँ जैसे शास्त्र की बात करें तो कृषि पाराशर वृक्ष आयुर्वेद कृषि शास्त्रम उपवन विनोद ऐसे कई विस्तार वाले ग्रंथ रहे हैं और इन सब में भारतीय देशों की उस समय कोई विदेशी नस्ल की बात ही नहीं थी। तो भारतीय गोवंश के हर गव्य की महत्ता यानी दूध की बात की तो शास्त्र ने बोल दिया आयुर्वेद का होगा वेद का होगा देशी गाय का दूध। वैसे 8 प्राणियों का दूध है, गधी का भी है, ऊँटनी का भी है, भेड़ का भी है, बकरी का भी है, लेकिन देशी गाय का दूध ये सर्वश्रेष्ठ नहीं, धरती पर अमृत बोला गया। अब इसी दूध दही घी छाछ गोबर गोमूत्र से पंचगव्य की बात हुई। अब पंचगव्य हमारे यहाँ परंपरा रही कि पंचगव्य प्राशन ये मंदिरों में आदिकाल से चल रहा है जब से गोवंश धरती पर आया और उसके बारे में बड़ा बढ़िया श्लोक है कि वो अस्थिगत दोषों यानी बोन मरो तक के दोष को नष्ट करता है और उसके आगे जाकर याज्ञवल्क स्मृति में बताया कि पंचगव्य कर्म क्षय करता है। अब हमारे यहाँ जैसे मंदिरों की हम चूँकि हमारे जब हम शास्त्र की या कुछ भी बात करेंगे तो भारत धर्म प्राण देश है, आध्यात्मिक देश है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के संचालक बोलिए, सृष्टि के नियंता बोलिए, जगत नियंता बोलिए, तो इनकी पूजा तो इनके लिए मंदिर बने हुए हैं, वो भी हज़ारों वर्ष से बने हुए हैं। तो ये मंदिरों में सामान्यतः जैसे शिव जी पर जल चढ़ा रहे, कहीं अभिषेक कर रहे, कहीं शहद से कर रहे, दूध से कर रहे, घी से कर रहे और इसके बड़े विधान बताए हैं, शिव पुराण होगा कोई अलग अलग पुराण होंगे, पंचगव्य से कर रहे। अब लोगों को भ्रम होता है कि ये दूध बेकार जा रहा है या दही बेकार जा रहा है या ऐसा कुछ सोच करते हैं। गलती या थोड़ा सा ध्यान इतना ही है कि वो पंचगव्य के बाद वो जो जहाँ पर शिवलिंग के बाद जा रहा है उसका हम पहले से उपयोग कर रहे थे खेती में अलग अलग जगह पर, कुछ दिनों में हमारी जल्दबाजी में हम उसका उपयोग नहीं कर रहे तो लोगों को ये हुआ कि भाई ये तो खेती के लिए हर चीज़ के लिए उपयोगी रहा है, पहले से हम फूल भी चढ़ा रहे थे, हम उससे खाद बनाते थे, यही प्रक्रिया फिर से लाएंगे तो वो पंचगव्य नहीं दिव्य पंचगव्य बन जाएगा क्योंकि शिव जी को चढ़ा के और जो बाहर आ रहा है वो भी बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज पंचगव्य से देश भर में खेती और इसमें थोड़ा सा हम जब आगे बढ़ते हैं जैसे हम हमारे जीएस कौशल जी मध्य प्रदेश के, उन्होंने श्रद्धा के फूलों से सोना बड़ी अच्छी पुस्तक है ने फूलों से केचुआ खाद, हमने पुणे में महानगर पालिका जब वहाँ बड़ा गणेश उत्सव बड़े माध्यम से हज़ारों टन फूलों से खाद बनाना शुरू कर दिया, चल रहा है। ऐसा ही काम अभी कई मंदिरों ने हाथ में लिया जैसे तिरुपति देवस्थान होगा, बालाजी देवस्थान, ऐसे बहुत सारे मंदिर देश में हैं, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में। तो वहाँ पर जो निर्माल्य आ रहा है जहाँ पर वहाँ पंचगव्य है उसको वहाँ पर हमने खेती में उसका सदुपयोग और उसका नेटवर्किंग उसको प्रशिक्षण देने की बात और यही काम आगे बढ़ गया है। हमारा सबसे आग्रह रहेगा कि मंदिर व्यवस्थापन समुचित रूप से मंदिर की देखरेख करे, उसमें कुछ भी चीज़ क्योंकि हमने बोला है क्षण क्षण और कण कण का उपयोग करना है, हमारे जीवन का कुछ भी वेस्ट करने का नहीं है। हम मंदिर भी जब ये कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको ये सब बनाना है, ये बढ़ाना है। और पंचगव्य का फूलों का पहले बात करेंगे, निर्माल्य का कोई भी अंश होगा उसमें बेलपत्र चढ़ा रहे जो भी कर रहे हैं तो उससे बड़ा अच्छा खाद बनेगा। और ये जो पंचगव्य है इसका हम पूरे अच्छी तरह से प्रशिक्षण देंगे, बहुत जगह काम शुरू हो गया है, वहीं पर आसपास में इसको पतला द्रावण इसको ठीक करके और इसको खेती में उपयोग करेंगे और ज़बरदस्त परिणाम आ रहे हैं। जैसे हमने फूलों से जब खाद बनाई और ऐसे किसान भी करने लगे, कई किसान वो ले जाने लगे, बहुत परिणामकारी कार्य आ गया। तो कभी भी कोई नहीं सोचे कि ये मंदिरों का जो कार्य है और मंदिर जहाँ बड़ी जगह है वहीं पर इसको बनाकर और कहीं कहीं पर वो खाद बिकना शुरू हो जाता है। तो ये तंत्र हम खड़ा करेंगे और इसमें साथ साथ में समानांतर रूप से कि इनको जैसे शास्त्र की बात है कि हमारे यहाँ बड़ी अच्छी पुस्तकें आ गई स्तोत्र मंत्र विज्ञान, तो हमारे यहाँ ये जो अलग अलग हम चढ़ा रहे इसका भी बड़ा महत्व है, तो ये हमने करना है, इस पर ध्यान देंगे। सबको नमस्कार।